कुशीनगर से बड़ी खबर, जहां मृतक बाबर की मां और उनकी पत्नी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन पर बातचीत की और सीएम योगी ने घटना पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए बाबर की मां से कहा, मैं हूं आपका दूसरा बेटा। सीएम ने कहा कि घटना में सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसमें कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके बाद मृतक बाबर की पत्नी फातिमा से भी सीएम ने बात की। सीएम से बात करते हुए फातिमा भावुक हो गई। सीएम ने उन्हें सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। आपको बता दें कि रामकोला थाना क्षेत्र के कटघरही निवासी बाबर के बीजेपी के पक्ष में वोट देने और जीत पर मिठाई बांटने से नाराज कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर दी थी। लखनऊ में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गुड्डू कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड्डू, क्या कुछ पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया था, लेकिन अब मृतक बाबर की मां और पत्नी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद बातचीत की है, उन्हें सांत्वना दी है। जी बिल्कुल साहिल, आपको बता देना चाहते हैं, जिस तरीके से एक तरह से कह लिया जाए कि जो बाबर अली था वो बीजेपी के समर्थक था, बीजेपी को वोट भी किया था, हालांकि बीजेपी की सरकार बनने के बाद उन्होंने मिठाइयां बांटी, खुशी जाहिर की थी, जिससे उसके जो रिश्तेदार हैं वहीं घर के बगल के उनको इतनी नागवार लगी कि लगभग आधा दर्जन की संख्या में लोगों ने पीट पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद यह मामला काफी सुर्खियों में आया। मुख्यमंत्री ने तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए दुख प्रकट करते हुए 2 लाख रुपए की मुख्यमंत्री सहायता योजना से उसके आर्थिक लाभ के लिए वो आदेशित किया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने 2 लाख रुपए का चेक कल सौंप दिया, उसके परिजनों को सौंप दिया गया 2 लाख रुपए का चेक। लेकिन जिस तरीके से आज एक बात सामने आई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज खुद बाबर की मां से बात किया और मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपका एक बेटा मर गया लेकिन मैं अभी आपका बेटा जीवित हूँ। तो ऐसे में हालांकि परिजनों का कहना है कि हमसे बात नहीं हो पाई है, इसलिए कि ये इतने गरीब हैं और इतने अशिक्षित हैं कि उनको पता नहीं चल पाया है कि उनसे किसकी बात हुई है। फोन बात करने की बात तो उन्होंने करा है, लेकिन वो बात कौन कर रहा था ये अभी स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हैं। लेकिन जो भाजपा नेता है या जो भाजपा के अन्य लोग हैं वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने स्वयं बात किया है और उन्होंने बताया है कि उसके माँ को उससे बात करते हुए सांत्वना दी है और बताया है कि एक बेटा मर गया लेकिन आपका दूसरा बेटा जीवित है, जहां भी आवश्यकता होगी आप बेटक बताइए, आपको कहीं से भी कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी। जी गुड्डू, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और लगातार पूछताछ भी यहां पर की जा रही थी और लगातार इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है, क्या कुछ कार्रवाई अब तक हो गई है और क्या कुछ आगे की कार्रवाई होनी है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं, जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई की अगर हम बात करें तो जब ये घटना हुआ, हालांकि मृतका की जो पत्नी है, जो मृतक की पत्नी है वो पहले थाना अध्यक्ष से गुहार लगाई, फिर सीओ से, फिर एसपी से, फिर जिलाधिकारी से, लेकिन जो थानेदार है उनकी इतनी बड़ी लापरवाही रही कि जिससे बाबर को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में अगर थानाध्यक्ष ने थोड़ी सी भी सक्रियता अगर जताई होती तो आज बाबर जीवित होता और इस समाज के बीच जीवित रहता वो, लेकिन थानाध्यक्ष की लापरवाही की वजह से जब मामला संज्ञान आया तो एसपी ने थानेदार को लाइन हाजिर किया, उसके बाद जो बीट के एसआई थे उनको लाइन हाजिर किया गया, दीवान को लाइन हाजिर किया गया। और अगर हम कार्रवाई की बात करें तो 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि ये विवेचना में अब सामने आ रहा है कि कौन लोग और इसमें शामिल है, जो इस घटना में शामिल थे उन्हें अब पुलिस पकड़ेगी। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई काफी तेज हो गई है, काफी सक्रिय है। जी गुड्डू, वहीं बात की जाए, जिस तरीके से आपसी सौहार्द इस तरीके की घटनाओं से कहीं ना कहीं आहत होता है और जिस तरीके से एक युवक की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है और वो भी सिर्फ इस एवज में कि वो अपनी खुशी का इजहार यहाँ पर कर रहा था भारतीय जनता पार्टी की जीत पर और मिठाइयाँ यहाँ पर बांट रहा था, सिर्फ इतनी सी बात को लेकर इस युवक की हत्या यहाँ पर कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं एक आपसी सौहार्द यहाँ पर आहत होता हुआ नजर आया इस पूरी घटना से। जी बिल्कुल साहिल, आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं
और स्वतंत्र हम अपने मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता का हनन है एक तरीके से कहा जाए। अगर हम स्वतंत्र हैं तो हम जहां मन कर वोट करेंगे, हम जहां मन करें अपनी इसका अधिकार का प्रयोग भी करेंगे। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से ये पीट पीट करके ये मार डाला गया, ये एक बात का साक्ष है कि अभी भी कुछ लोगों के अंदर ये कुंठित मानसिकता है कि आखिर हम मतलब एक तरीके से कहा जाए कि कट्टरपंथी की अभी भी योजनाएं उनके दिमाग में चल रही है, कट्टरपंथी भरा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से वो बाबर को पीट पीट करके मार डाला गया, उस तरह से स्पष्ट रूप से ये उदाहरण है कि अभी भी लोगों के अंदर कट्टरपंथी भरा हुआ है। लेकिन दूसरी बात अगर हम आपको बता दें, जो क्षेत्रीय विधायक है पीएन पाठक, जब ये घटना की जानकारी हुई तत्काल मौके पे पहुंच करके, और जो बाबर का अर्थी था जो अंतिम संस्कार के लिए जा रहा था, अंत्येष्टि के लिए जा रहा था, उसमें अपने स्वयं वो कंधा दिया और उस क्षेत्र के जो भी लोग थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, लगभग आधे से अधिक संख्या में उसके अर्थी के साथ गए और उसकी अंत्येष्टि की गई। तो जब एक विधायक द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया तो लोगों को ये काफी विश्वास जगा कि नहीं, विधायक का जो ये कार्य रहा काफी सराहनीय रहा। जिस तरीके से एक विधायक ये बाबर अली के अर्थी को कंधा दिया और वो अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से जो जो भेदभाव की जो ये घृणित मानसिकता के लोग हैं उनके ये सोच पे कुठार आघात है। जी गुड्डू, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।